Hey guys, this is Harshit here. Welcome back to another episode of Minecraft. आज से दो महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी हाउ टू बिकम प्रो इन पीवीपी। अब उस वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग Minecraft पॉकेट एडिशन में पीवीपी प्रो कैसे बन सकते हो, और बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल रहे थे भाई सच में मैं पीवीपी प्रो बन गया। और यार मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी भी बताई थी कि भाई आराम से कोई भी सिंपल वाला बिगिनिंग प्लेयर है जो ज्यादा नहीं खेलता Minecraft वो भी प्रो बन जाएगा। लेकिन आज मैं आप लोग को जो चीज बताने वाला हूं ना, उसके बाद आप Minecraft पॉकेट एडिशन में प्रो तो बन ही जाओगे, साथ में आप लोग नए कंट्रोल्स के साथ प्रो बनोगे। मतलब पुराने कंट्रोल्स बताए थे मैंने वाली वीडियो में, लेकिन ये वाली वीडियो में आपको नए कंट्रोल्स के साथ बताने वाला हूं। Also, बन जब नए कंट्रोल के साथ खेले तो मेरे को ऐसा लगा कि नए कंट्रोल ज्यादा बढ़िया पुराने कंट्रोल की अपेक्षा, क्योंकि नए वाले कंट्रोल में जॉयस्टिक मिलती है और उसके कारण हम लोग आराम से बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी चीज। और अगर आप लोग ये वाली वीडियो को ध्यान से देख लोगे ना, तो आप लोग को कॉम्बो और स्टिक कैसे मारते वो भी बन जाएगा, वो भी Minecraft पॉकेट एडिशन में। देखो जावा एडिशन में कॉम्बो मारना आराम से बन जाता लोगों को, लेकिन भाई MCP में बताऊंगा कि आप स्टिक और कॉम्बो कैसे मार सकते हो। और अगर आप लोग Minecraft जावा एडिशन या फिर पोजाव लॉन्चर खेलते हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या मैं जावा एडिशन के लिए भी वीडियो बनाऊं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ज्यादा डिमांड आएगी तभी बनाऊंगा। ऑल्सो अगर तुम लोग ये वाली वीडियो देखने के बाद पीवीपी प्रो बन जाते हो ना, तो तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट दे रहा हूं मैं 3000 लाइक का, और मैं तो भाई बता रहा हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं ना सबके सब प्रो बन जाएंगे, इसलिए जितने व्यूज आ रहे हो उतने लाइक कर दो चुपचाप। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में कैसे कर सकते हो, क्योंकि भाई इकट्ठे तुम सर्वर में जाके मारने लगोगे ना तो यू नो तुम लोग मार खाओगे दूसरों से। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप लोग सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में कैसे कर सकते हो, देन उसके बाद मल्टीप्लेयर। सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी अपने गेम में, तो मैं यहां पर सेटिंग में जाता हूं और आपको बता देता हूं आपको कहां पर सेटिंग करनी है। आपको जाना टच में, देखो यहां पर टच वाला जो ऑप्शन होता है यहां पर आना है, और आप लोग को ये जो इंटरेक्शन मॉडल है ना इसको टच में कर देना है, और आपको नीचे आने के बाद जो ऑटो स्प्रिंटर है इसको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि आप लोग जब भी चलोगे ना तो आप दौड़ोगे, मतलब कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, तुम लोग मतलब जब भी चलोगे तुमको अलग से स्प्रिंट दबाने की जरूरत नहीं है, और बटन साइज को 78 या 79 के आसपास रहने देना। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम में ईशान वघेला ने पूछे थे कि भाई ये वाले टच कंट्रोल में क्रॉस एयर कैसे आ रहा बीच में, तो देखो क्रॉस एयर लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको टच सेटिंग में जाना है, और ये जो इंटरेक्शन मॉडल है ना सबसे पहले आपको इसको क्लासिक रखना है, और यहां पर आपको स्प्लिट कंट्रोल ऑन दिखेंगे, तो देखो इसको ऑन कर लेना, और उसके बाद आपको टच में क्लिक करना है, तो देखो यहां पर आप लोग स्प्लिट कंट्रोल का नहीं दिखेगा, लेकिन वहां से एक बार वो स्प्लिट कंट्रोल हो गया तो वो काम करेगा। सब करने के बाद आपको ये वाले वर्ल्ड में आ जाना है, मैं इसकी डाउनलोड लिंक दे दूंगा। यहां पर आप लोग बहुत सारी चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, लिटरली ब्लॉक की और एंडर पल की, और यहां पर पीवीपी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और ये सब चीज सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में होने वाली है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं पीवीपी ट्रेन, और यहां पर मैं करूंगा स्मॉल पीवीपी, और ये वाली करूंगा मैं नॉर्मल। अब देखो क्या होता है, एमसीपी जो प्लेयर होते हैं वो करते हैं यहां पर स्पैमिंग, मतलब कि धड़ बहुत स्पीड में क्लिक करती है, ऐसा नहीं करना है आप लोग को यहां पर स्टेक करना है। लाइक आपको एक बार क्लिक करना, फिर एक बार क्लिक करना, फिर एक बार क्लिक करना, जैसे कि जावा में करते हैं ना, इसको हम लोग एमसीपी का एक कॉम्बो बोल सकते हैं। देखो जावा में भी कॉम्बो होता है और एमसीपी में भी थोड़ा बहुत कॉम्बो पड़ता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि सामने वाले बंदे की भाई अनलिमिटेड हेल्थ है, लेकिन ये चीज मैं आपको सर्वर में करके दिखाऊंगा, तब देखना भाई बंदा कैसे मरा। अगर आपको चेक करना है कि आपका स्टेक पड़ रहा है कि नहीं, तो आप लोग ये देख सकते हो बंदा जब तक जमीन में नहीं आएगा तब तक तुम समझ जाना कि तुम एकदम अच्छे स्टेकर बन चुके हो। और देखो मैं यहां पर इसको मार रहा हूं ना, तो देखो ये हवा में उड़ रहा है ना, तो आपको लगातार उसको ऐसे स्टेक करते रहना है कि वो जमीन पे ना आए, और ये चीज आपको स्पैमिंग में नहीं। देखो अभी हुआ था वो हवा में, जानबूझ के इस पे एक ऐसा इफेक्ट लगा जिसके कारण ये स्लो फॉल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, अगर तुम लोग इस पे प्रैक्टिस करोगे ना तो आई एम डैम श्योर कि तुम लोग अच्छे स्टेकर बन जाओगे। ओके, तो अभी आप लोग ने देखा कि मैं सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में स्टेक और कॉम्बो मार रहा था एमसीपी में, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग सर्वर में कैसे मार सकते हो, और उसके लिए आपको कोई सर्वर चाहिए रहेगा, तो देखो हम लोग का godspunky.in है ना, आप लोग उस पे आके कर सकते हो। अगर आप लोग को आईपी नहीं पता ना, तो आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, या फिर आप लोग को सामने स्क्रीन पे भी आईपी दिख रही होगी। देखो मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग वहां से बहुत सारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आप लोगों को बहुत सारे इवेंट ज्वाइन करने को मिलेंगे डिस्कॉर्ड से, तो ये आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट है, इसलिए डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, ज्यादा कुछ नहीं लगता, और हमारी कम्युनिटी है पूरी, तो आप लोग वहां पर बात कर सकते हो और मुझसे भी बात कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो हमारे स्टाफ से। तो देखो अभी मैं फिर से फोन में आ गया, और अभी मैं मार रहा हूं किंग कॉम को, आप लोग देख सकते हो भाई मैं यहां पर जो स्टेक कर रहा हूं ना, इससे दो दो हेल्थ जा रही है इसकी। अगर आप लोग सेम चीज में यहां पर स्पैम करते ना भाई साहब, बंदे की एक हेल्थ भी नहीं जाती, और यहां पर देखो उसकी दो दो जा रही है। ऑल्सो स्टेक करने का ये फायदा होता है कि सामने वाला बंदा आपको पकड़ नहीं पाएगा, और अगर आप लोग स्पैम करते ना भाई तुम भूल जाओ, तुम ना उसको दूर भेज पाते और ना ही तुम लोग यहां पर बच पाते। ध्यान रहे जो क्रॉस हेयर है उसके नीचे जो बिंदु बिंदु लोडिंग टाइप की चल रही है ना, आपको उसको फुल होने तक का वेट करना है, और देखो भाई मैंने मार दिया उसे, ऐसी में स्टेक पड़ता है। और अगर आप लोग को अभी भी स्टेक मारते नहीं बनता, तो आप लोग के लिए हमने 1.8 का सर्वर बना के रखा है, हमारे सर्वर में आना और यहां पीवीपी प्रैक्टिस में जाना है, और आप लोग यहां पर आ जाओगे, और यहां पर आप लोग को देखो मैं बताता हूं क्या करना है। ये एक 1.8 का सर्वर है, और आप यहां पर स्पैमिंग कर सकते हो, जो स्टेक और कॉम्बो होता है ना वो 1.9 वाली पीवीपी में होता है, तो यहां पर आपको ये तलवार में क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोग को यहां पर ये जो कुल्हाड़ी बनी है ना इस पे क्लिक करना। देखो ये रैंक्ड में मत करना, आप लोग को यहां पर एक और बस पे क्लिक करना है, देखो क्लिक किया मैंने, और उसके बाद ये कुल्हाड़ी इस पे क्लिक करना, इसको नीचे लाना है, और यहां पर आपको जाना है गैपल FFA में। देखो पीवीपी प्रैक्टिस की खास बात ये है कि यहां पर जितने भी बंदे हैं वो पूरे के पूरे एमसीपी वाले होते हैं। देखो जावा वाले भी इस पे आ सकते हैं, बट एमसीपी वाले आते हैं क्योंकि यहां पर आप लोग स्पैमिंग कर सकते हो, मतलब कि 1.8 वाली पीवीपी होती है, 1.9 वाली करना तो आप लोग सिंपल FFA में जाना बाजू वाले गेम में, लेकिन ये वाले में आप लोग सिर्फ एमसीपी वालों के साथ खेल सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है, उनको कोई ज्यादा
मजा नहीं पेलेगा अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो। मैं तो कहता हूँ अगर आपको प्रैक्टिस करना तो आप लोग ये वाले सर्वर में जरूर आना, और आप लोग भाई घंटों प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर पूरे एमसीपी वाले प्लेयर है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वेल इस वाली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग कैसे एमसीपी में प्रो बन सकते हो, और अगर आप लोग को माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के लिए वीडियो चाहिए ना तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं एमसीपी से ज्यादा एमसी जावा में प्रो हूं। ज्यादा हो गया बट कोई नहीं, अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि देखो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त अगर एमसीपी में खेलते हैं तो उनके लिए भला होगा ना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं हर्षित आप लोग से मिलूंगा अनदर धमाकेदार वीडियो में, और जितनी भी चीज आपको डाउनलोड करना है ना तो आपको स्पंकी ऑफिशियल सर्च करना है गूगल में, आप लोग आराम से उसको डाउनलोड कर पाओगे, यार मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट में बहुत ज्यादा स्टफ है एमसीपी और एमसी जावा एडिशन का, तो जाके एक बार उसको भी चेकआउट कर लेना। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।